फ्रेंड्स, आज हम आपका टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करेंगे। ये हमारी 7 टाइप होगी टेंस की, ठीक है? और इस टेंस के भी आगे 3 पोर्शन होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसकी हमें पहचान चाहिए ना, आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले, तो कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का एक सेंटेंस है। सेंटेंस के एंड में या तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है, आया है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब लगा होगा, ठीक है? और इसके भी 3 पोर्शंस होंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। तो हम स्टार्ट करेंगे अफर्मेटिव से, कि अफर्मेटिव में हमें इसको कैसे डील करना है। अफर्मेटिव में हमारे पास इसको सॉल्व करने का क्या रूल होगा, क्या हमारा रूल हैज़ और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बस इतना सा है। हमें पता है कि हैज़ अलग हैव अलग है, हमारे पास 7 पर्सन्स हैं, और इसको कैसे करेंगे। ही, शी और इट के साथ आ जाएगा हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई, वी, यू, दे, इसके साथ आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आ जाएगा हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, ये आ जाएगा सिंगुलर के साथ, ये आ जाएगा प्लूरल के साथ, ठीक है? अब हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, जैसे कि उसने चाय पी ली है, उसने चाय पी ली है, मतलब लिया है आ गया ना, लिया है, दिया है, गया है, उस टाइप का आ गया। उसने में वो शी भी हो सकता है, वो ही भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है और बॉय भी हो सकता है। शी ये इस तरह से भी आ सकता है कि कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, शी के साथ क्या लगेगा, हैज, शी हैज पीना, ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, शी हैज ड्रंक द टी, ये भी आ जाएगा। लेकिन अगर मोर एक्यूरेट इंग्लिश चाहिए तो हम ऐसे लिख सकते हैं, शी और ही हैज टेकन द टी और अ टी, द सिंपल टी या द टी, शी और शी हैज टेकन द टी और टी, ठीक है? तो इससे ऑब्वियसली टेकन से क्लियर हो जाएगा कि चाय पी ली है। एक और सेंटेंस हम ले सकते हैं, जैसे कि मैंने अपना पाठ याद कर लिया है। तो आ गया ना ये एग्जाम्पल, हाँ, यहाँ पर हमारी आइडेंटिफिकेशन लिया है, दिया है, गया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं में से, तो आ गया मैंने अपना पार्ट याद कर लिया है। मैंने आए, हमने पढ़ा है कि आई के साथ क्या लगेगा, हैव, आई हैव, साथ में की थर्ड फॉर्म, याद करना, लर्न, 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 आई हैव लर्न माई पार्ट है, तो आप इसको लेसन भी लिख सकते हो, ठीक है? इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप चैप्टर लिख सकते हो, आई हैव लर्न माई लेसन। और अगर हमें इसको सेंटेंस इसको फिलअप में करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो अगर हम ऐसी कोई एग्जाम्पल आ जाए तो हम कैसे करेंगे। ही डैश स्टैंड ब्रैकेट में फर्स्ट इन द क्लास, ही के साथ क्या लग जाएगा, हैज, साथ में लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्टैंड, स्टूड, स्टूड, ही हैज स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। और अगर जी हमें लेना हो, हमें प्लूरल में ले लेते हैं, एक दे डैश साथ में लिख देते हैं कंप्लीट देयर कोर्स, क्योंकि अपना काम खत्म कर चुके होंगे। कोर्स का मतलब कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कोर्स का मतलब पढ़ाई वाला काम, कोर्स का मतलब ये भी हो सकता है कि जो उनको घर पे काम था वो, ठीक है? दे है तो प्लूरल है तो क्या लगेगा, हैव, दे हैव कंप्लीटेड देयर कोर्स, कि वो अपना काम पूरा कर चुके होंगे, बल्कि उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है, वो अपना काम पूरा कर चुके हैं, ठीक है? इस तरह से आ जाएगा। अब आ गया नेगेटिव, नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में ऑब्वियसली नोट लगेगा, तो नोट लगेगा हैज नोट और हैव नोट, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये घर नहीं खरीदा है, मैंने ये घर
नहीं खरीदा है। एक तरह से कोई ना कोई एक्शन हो रहा है हमें पता लग रहा है, तो क्या आएगा? आई हैव नॉट, ब्रिंग ब्रॉड, ब्रॉड होता है ना, तो क्या आ जाएगा? आई हैव नॉट ब्रॉड, और आप बोट भी लिख सकते हो, दोनों ठीक हैं। ये घर, दिस हाउस, आई हैव नॉट बॉट दिस हाउस। बाय बोट बॉट और ब्रिंग ब्रॉड ब्रॉड, दोनों ही इसके लिए सही है। आई हैवंट बॉट दिस हाउस। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसकी नेगेटिव में। उसने नया संगीत नहीं सुना है, उसने, सॉरी, नया संगीत नहीं सुना है, तो क्या आ जाएगा? ही और शी, साथ में जग लग जाएगा हैज, साथ में नोट, सुनना लिसन, तो लग जाएगा लिसन, शी हैज नॉट लिसन टू द लेटेस्ट म्यूजिक, क्योंकि लिसन के साथ हमेशा टू लगता है, ये हम याद रखेंगे, शी, ही और शी हैज नॉट लिसन टू द लेटेस्ट म्यूजिक। और अगर हमें इसके लेने हो सेंटेंस फॉर द फिलप्स, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, तो हम कैसे लेंगे, जब हम उसको कैसे सोल्व करेंगे? द पियन डैश रिंग द बेल, और हमें लिख के दिया गया है कि हमें इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव फॉर्म में फिल करना है, तो हम क्या करेंगे? द पियन हैज नॉट रिंग रैंग रंग, द पियन हैज नॉट रंग द बेल। एक और ले सकते हैं एग्जाम्पल, वी डैश विन द मैच, सेम कंडीशन के साथ फिल करेंगे नेगेटिव फॉर्म में, वी के साथ हैव, वी हैवंट, विन वन वन, वी हैव नॉट वन द मैच। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस का नेगेटिव और अफर्मेटिव टाइप हो जाएगा। अब हम करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हमें कैसे सोल्व करना है। सेम कंडीशन है, हम इंटरोगेटिव में हैज लगाएंगे, हैव लगाएंगे, साथ में सब्जेक्ट आएगा, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, साथ में ऑब्जेक्ट आएगा, साथ में क्वेश्चन मार्क आएगा, और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम एक सेंटेंस लेते हैं, क्या उसने अपना भाषण तैयार कर लिया है, तो ये हमारा सेंटेंस हो गया। उसने से यहाँ पे ही भी हो सकता है, यहाँ पर शी भी हो सकता है, ऑब्वियसली हैज़ लगेगा, हैज़ शी तैयार करना, प्रिपेयर्ड, हैज़ शी प्रिपेयर्ड हर भाषण, को हम बोल सकते हैं स्पीच, हैज़ शी प्रिपेयर्ड हर स्पीच, हैज़ ही और शी प्रिपेयर्ड हर स्पीच, तो ये बन गया, जैसे कि उसने अपना भाषण तैयार कर लिया है, ही और शी हैज़ प्रिपेयर्ड हर स्पीच, तो जो यहाँ पर हैज़ लगेगा वो आगे आ गया, हैज़ ही और शी प्रिपेयर्ड हर स्पीच। एक और ले लेते हैं हम एग्जाम्पल, जैसे कि क्या वे नहीं लिखते, उन्होंने लिख लेते हैं, क्या उन्होंने वोट डाल दी है। वोट डालने को हमेशा कहते हैं कास्ट द वोट, कास्ट, CAST, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, दे, उन्होंने लिख दिया दे, तो दे के साथ लगेगा हैव, हैव दे कास्ट द वोट। अगर आता कि क्या उन्होंने अपनी वोट डाल दी है, तो हम लिखते हैं हैव दे कास्ट देयर वोट। अब उन्होंने दिया था, क्या उन्होंने वोट डाल दिया, तो हम लिखेंगे हैव दे कास्ट द वोट। तो इस तरह से हमारे ये सेंटेंस हो जाएंगे। अगर हमें फिलप्स लेने हैं, तो फिलप्स के लिए हम एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि डैश यू, फिर से ब्लैंक आएगा, साथ में ब्रैकेट आ जाएगी, सेल योर स्कूटर, यू के साथ क्या लगेगा, हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है, सेल सोल्ड, सोल्ड, हैव यू सोल्ड योर स्कूटर। अगर हमें एक और लेना हो, जैसे कि दो ब्लैंक हमें दिए गए हैं, साथ में दिया गया है अ कार्ड, और साथ में ब्रैकेट में दिया जा रहा है हमें बाय, शी है तो हैज लगेगा, हैज शी बाय बोट बोट, हैज शी बोट अ कार्ड। तो इस तरह से हमारा ये जो प्रेजेंट परफेक्ट है, ये इस तरह से चलेगा, जिसमें हमें दिया होगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है, आया है, खाया है,
पिया है, कोई भी काम किया है उसके अकॉर्डिंग हमें बताया जाएगा, ठीक है। और इसकी पहचान क्या होगी, ये, और हमें इसमें लगाना क्या हैज़ है साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जब हमें पता है कि जो हैज़ है वो सिंगुलर के साथ आएगा तो ही शीट के साथ आएगा, और जितने भी हैं आई वी यू और दे और साथ में प्लूरल के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और साथ में हमें क्या ध्यान रखना है कि जब हम इसको इंटरोगेटिव सॉरी नेगेटिव में लेके जाएंगे तो नेगेटिव में ले जाते वक्त हैव नॉट और हैज़ नॉट साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है हैज़ नॉट हैव नॉट साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इंटरोगेटिव में हम ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं हैज़ और हैव इसको हम आगे ले आएंगे ताकि उसके बाद हमारा बाकी का सेंटेंस स्मूथली काम कर सके। तो स्टूडेंट्स आप इसके कुछ एक सेंटेंसेस को कुछ एक एक्सरसाइज को स्टडी कर लेना, सोल्व कर लेना, सो दैट्स कि आपकी इस पर होल्ड हो सके और आपको ये अच्छे से सोल्व करना आ जाए।